हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेरफायर्स। दोस्तों आज पर प्रॉमिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ डेली न्यूज एनालिसिस 16th जून की, और इसी की थोड़ी देर बाद मैं 17th का भी कर दूंगी, तो हम एकदम अपडेटेड चलेंगे। फिर भाई शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताएं कि अनअकैडमी का ऑफलाइन स्टोर भी खुल गया है कोटा में, तो वहां पे रहने वाले लर्नर्स को स्पेशल फी बेनिफिट्स मिलेगा। साथ में मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज 11 बजे सुबह 11 बजे होने वाला है यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट। दोस्तों इसमें आपके पास मौका 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स पाने का है, प्लस फ्री है, और आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से एनालाइज करिए कि आप प्रीलिम्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 30% यूपीएससी प्रीलिम्स के जो 2022 वाले का था, इसके एमसीक्यू की सिमिलैरिटी देखने को मिली थी कॉम्बैट के क्वेश्चंस से। आई रिकमेंड यू कि आप जरूर से जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज करना है। इसके अलावा T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लेते हैं प्रशांत धवर सर मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे से, और सेम यहाँ पे हर सैटरडे लिया जाता है महिपाल सर के द्वारा शाम को 5 बजे से। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस शाम को 8 और 10 बजे से एमसीक्यू ले रही हूँ, तो आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह मेरा फ्री कोड सिर्फ आईएस आपको फ्री में एनरोल कराने में मदद करेगा। आते हैं दोस्तों अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है कि हरियाणा ने ग्रांट कर दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फील्ड ट्रायल्स ऑफ बीटी कॉटन वैरायटी। देखिए बीटी कॉटन वैरायटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। थोड़ा मैं पहले बताऊं कि मामला क्या है। हरियाणा की सरकार ने क्या किया है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी को इश्यू कर दिया है कि आप फील्ड ट्रायल्स कर लीजिए BG2RRF का। ये क्या है, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है बीटी कॉटन की। अभी तक मैं बताऊं तो इंडिया ने कमर्शियल यूज BG1 और BG2GM कॉटन का देश के अंदर अलाउ करा है, वाइल अप्रूवल जो BG2RRF का है ये अभी पेंडिंग है अलग अलग स्टेजेस में। करंटली जो अवेलेबल BG2RRF है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट डिवास्टेटिंग जो पेस्ट अटैक हो जाता है ना, जैसे अमेरिकन बॉलवॉर्म। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे, जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं ना GM crops, ये थोड़ा समझ लीजिए, ये टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर होता है कि DNA को इंसर्ट किया जाता है जीनोम में ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रूल्स को अमेंड किया है ताकि स्विफ्ट आराम से और ज्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से रिड्रेसल हो ग्रीवियंसेस का। दोस्तों IBBI Grievance and Complaint Handling Procedure Regulation 2017 जो एक mechanism provide करता है redressal के लिए complaints का field against insolvency professionals, insolvency professional agencies और information utilities को। तो जो amendment rules हैं ये एक revision provide करते हैं अलग अलग timelines में related to enforcement and process for addressing the issue of delay in the present mechanism। दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो IBBI को एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के माध्यम से। एम था कंसोलिडेट करना और अमेंड करना लॉस को जो रिलेटेड है रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल से, और ये सब कुछ टाइम बाउंड मैनर में करना ताकि मैक्सिमम वैल्यू हो एसेट्स की, जैसे पर्संस, एंड प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट करना, और बैलेंस जो इंटरेस्ट का है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है कि भाई इंडिया एडेड थर्ड हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन 2021 आफ्टर चाइना एंड US। बहुत बढ़िया की बात है। रेन 21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से बात है, और इंडिया ने को ऐड करा गया, इंडिया ने ऐड करा है करीब 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी का 2021 में, और थर्ड हाईएस्ट बन गई है आफ्टर चाइना जिसका 136 गीगावाट था, और
यूनाइटेड स्टेट इसका 43 था अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिलीज हुई है जो 15 जून को। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कम है बट हाँ एक तरफ है। अच्छा आपको पता है रेन 21 इकलौती ग्लोबल, ये देख रहे हैं आप, ये इकलौती ग्लोबल कमेटी ऑफ एक्टर्स है फ्रॉम साइंस गवर्नमेंट एनजीओ एंड इंडस्ट्री जो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं टू ड्राइव द रैपिड अपटेक ऑफ रिन्यूएबल्स। ठीक है तो दोस्तों यहाँ के लिए बस इतना ही, और एक और टॉपिक मैं अलग सेपरेट समझाऊंगी जैसे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ ही देर में आपके पास 17th जून की भी जो है लेक्चर आ जाएगा सो दैट कि आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत।